गुड इवनिंग आई ससुराल, गेंदा फूल हाजिर है अपने न्यू ब्लॉग के साथ। और काफी टाइम हो गया हमको व्लॉग शूट किए हुए। हमने शायद 4-5 महीने पहले जो जागरण का व्लॉग था हमने वो अपडेट किया था, उसमें भी सिर्फ मैं ही जा पाया था, नीचे तो जा भी नहीं पाई थी। मैं बोल रही तो मैं कहीं हम गई। दोनों बहुत टाइम बाद ही व्लॉग शूट कर रहे हैं ये, तो क्या नाचो मैं? तो उसके लिए एक पर्टिकुलर रीजन था जो हमने उस टाइम पे आप लोगों के साथ शेयर नहीं नहीं किया किया था। था। और वो बताने से पहले एक छोटी सी वीडियो देखो, आपको आपको समझ आ जाएगा वो क्या रीजन था। आई होप आप वीडियो देख के समझ ही गए होगे। यस, अब हम लोग मम्मा पापा बन चुके हैं, मम्मा डैडी बन चुके हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जिस वजह से हम लोग व्लॉग नहीं शूट कर पा रहे थे, बट यार हमने ना एक्चुअली क्या है, मुझे तो ये पर्सनली, हम दोनों को ये पर्सनली समझ में नहीं आता लोग उस दौरान वीडियोस कैसे शूट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो उस मतलब जर्नी के मोमेंट अंदर को उस सच मोमेंट को में एंजॉय करने में लगे एंजॉय हुए कर थे, रहे थे। तो हमें तो ध्यान में ही नहीं रहा, बहुत टाइम बाद यार यार वीडियो शूट कर लेते, बट नहीं। और क्या कहते हैं, अब एक नई सी जर्नी स्टार्ट हो गई है यार हमारी लाइफ की, मतलब बिल्कुल ही मैं हम लोग शेयर ही नहीं कर सकते। आई होप जो मदर फादर बनते हैं जो उनको ये चीज पता है, ये फीलिंग पता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फिर भी हमने थोड़ी बहुत कोशिश करी इस दौरान के कुछ 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 वीडियो शूट क्लिप्स कर। हैं हाँ हमारे जी, पास कुछ जो हम आप हॉस्पिटल्स लोगों की के हैं, साथ शेयर कुछ जब हम करेंगे, लोग घर आए थे बेबी को मतलब घर लेकर, से मेरी जो हॉस्पिटल की जर्नी है वो आपके वो साथ थोड़ा शेयर बहुत आई होप करेंगे। आप देखोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। और पहले हम ये तो बता दें कि वो बेबी बॉय है या गर्ल है, तो हमें कोई इश्यू नहीं है, हम तो फेस रिवील कर देंगे यार, क्योंकि हम तो क्योंकि ऑलरेडी उसको 1.25 महीना भी हो चुका है, हाँ जी, और ठीक है यार, सब लोगों ने तो उसको देख ही लिया है, तो वीडियोस तो में ही आप तो दिखाने में रिवील क्या करना दिखे? बनता कोई ही है। इशू नहीं है हमें तो। वैसे इनकी यहाँ निन्नी चल रही है, तो सबसे पहले हम बताएं तो सही ये हैं कौन हमारे। हाँ जी मैडम, यस ये है हमारे बेबी बॉय, माय जूनियर। यस। इतनी खुशी मुझे। यस, ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने आप को अपनी जर्नी देखने वाला यस, हूं, मतलब मैं छोटा कैसा पूरा। हाँ था। जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सेम मेरे लगते ऊपर हैं। ये है नाक और ये वो थोड़ा, मतलब वो लोग कहते हैं मेरे ना, को कह रहे कार्बन हैं। कॉपी हो यस एग्जिस्ट यस हो। जब ये यस हुआ ही था ना तब भी ऐसे ही सब बोल रहे थे। तो बता देते हैं, ये हुआ था 21 जनवरी जनवरी को को और उस दिन थी पुत्रा एकादशी, तो ये सबसे बड़ा बहुत मीटिंग ही हुआ, बड़ा दिन गिफ्ट था है यार। सच में। तो इवन जब ये हुआ तो सबने, हॉस्पिटल वाले जो भी थे, मतलब सिस्टर्स ने मेरे को बताया कि हमने इसका जो नाम था वो ऐसे अनाउंस किया कि राम लला है, बिल्कुल तो बहुत बिल्कुल, अच्छा लगा था। और उसके नेक्स्ट डे 22 जनवरी को अयोध्या दिवाली। में मतलब एक तरह से एक और दिवाली मनाई गई थी, तो हमारे लिए बहुत मतलब बहुत खुशी का दिन था वो। तो फिलहाल शेयर करते हैं आपसे थोड़ी बहुत चीजें और हम आपको लेके चलते हैं तो एक वो भी मैं महीना बता पहले। देती हूँ, वो भी मैं बता देती हूँ। जब हमारी एंट्री हुई थी तो कुछ इसी तरीके से वेलकम हुआ, तो वो आप देखिए, जो कि हमारे पास क्लिप्स है वो हम शेयर शेयर करते करेंगे। हैं तो एक महीना तो जल्दी पहले आ चलते हैं जाइए। फिर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यार इसमें मैं कितनी मोटी लग रही हूँ। इसी मतलब ये एडमिट कराया था हमने जब उस टाइम किया है, इसको पेन भी हो रहे थे बहुत ज्यादा ना उस टाइम पे। और क्या कहते हैं, हाँ यहाँ पर क्या कर रहा था मैं, नर्स से छुप के ना, मैं लंच आया था इसका, तो नर्स से छुप के मैं फटाफट वीडियोस ले रहा था, मैंने कहा छोटी मोटी क्लिप्स तो होना जरूरी है मैं बोल रही हूँ ना। भाई, रहने तो बहुत ज्यादा मेरा फेस देख रहे, कितना ब्रॉड दिख रहा है। अच्छा, इसके बाद मुझे ओटी लेकर गए थे ना, बिकॉज मेरा सी सेक्शन हुआ इस वजह से, है ना। हाँ, और उसके 15-20 मिनट बाद ही हमारा बेबी मतलब मेरी गोद में था यार। मतलब ये जो मूवमेंट है ना, ये जो मूवमेंट है मतलब इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता यार, मैं समझ ही नहीं आ रहा था। मेरी आंखें भर आई थी और मैंने मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है यार, मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ इस मूवमेंट को। मतलब मैं तो ओटी में थी, मतलब मुझे वार्ड में शिफ्ट किया, मुझे सिस्टर्स ने बताया कि आपके हस्बैंड तो इतना ज्यादा रोए, इतना ज्यादा कि मतलब एक टाइम पे तो यूं हुआ कि बेबी की को गिराओगे क्या ऐसे करके। फिर उसके बाद मैडम जी को शिफ्ट कर दिया था वार्ड के अंदर करीबन 3 या 4 घंटे बाद, और बेबी भी हमारे पास आ गया था।
और उसके बाद लग गई थी भीड़ लोगों की, मम्मी पापा कर ही रहा है गुस्सा, वो गुस्सा ही तो कर रहा है कि नानी इतनी नानू नानी इतनी लेट आए, आओ पापा जी इधर। अरे देख तो लो, ना 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 ना, नजदीक से नजदीक से नजदीक से। मम्मी गुस्सा गुस्से में देख रहे हो, आईब्रो देखो, ये देखो ऐसा लग रहा है कि जीत से कुछ। हाँ मैंने तो डालनी नहीं है, तो मैं तो दिखा लूंगा, डालूंगा तो बाद में डालूंगा। नहीं नहीं चलो शक्ल बताओ किस पे है, ये नीशु पे तो नहीं है, है? नहीं, नहीं पापा पे भाई, वो नीशु पे नहीं है। चू भी गोदी में ले रहा, सबको देख रहा है कौन कौन है ये बंदे। लिक्विड्स है इसलिए कि गैस रिलीज होना है। उस टाइम पॉटी करके पड़ा होगा, अनकंफर्टेबल हो रहा होगा इसको। अभी वो चंचल मैम को भी फोन करना है, हाँ कर लेना बात, नहीं कॉल कर लेना। वैसे वो शायद वो वैकेशन पे हैं कहीं बाहर, 24 and 25 की वो है। हाँ नहीं वैसे वो वैकेशन पे हैं। अच्छा, हाँ अभी उन्होंने इंस्टा पे कुछ फोटोग्राफ शेयर की थी ना फैमिली के साथ। मामा मामी फिर से मिलने आए हैं, लास्ट डे को मिल नहीं पाए थे ठीक से, तो नेक्स्ट डे आए हैं। ये दीदी क्या कर रही है, क्या इसको देखो और। भूखी आई है, ले ले देने दोनों को गिव मी दीदी ने नहीं प्यार किया बाबा को। हां ऊपर प्यार कर ऊपर जेड ऊपर इतनी गंदी बच्ची हो रही है, गंदी में तुम्हें बात बात वाला बना के जा रहे हैं, रात भर बात करना बोल दिया कैसे करना है ना, मुझे फोन पे बातें कर लेना क्योंकि क्या है दीदी भी छोड़ने नहीं दे रही है, क्यों है ना। मैं दोबारा आई हूँ कल मैंने लिया नहीं था, बाबू कल नहीं लिया था मैंने, रोनाल्डो इनका बैग आएगा, वॉलेट ये आए हैं बाबू के गौतम भैया। ये लोग कह तो रहे हैं कि डिंपल भी पड़ रहे हैं इसके, मैंने नोटिस तो किया नहीं है। अरे बाबू की दीदी भी आ गई है मिलने, कन्नू दीदी। पिच्चू ये कौन सा नाम है, पिच्चू पिच्चू के नाम से खुल गया, ये कैसा नाम है। बच्चे ने भी रिएक्शन दे दिया, ये क्या नाम है भाई। और ये जो हमारे है ना साथ में बैठे हुए मुस्कुरा रहे, ये हैं इसके चाचू लवनी चाचू। खोल लिया, खोल ली भाई। अब ये कौन सी शक्ल है भाई, है अब ये कौन बंदा है। अच्छा वैसे
थोड़ा थोड़ा हंस की तरह भी नहीं लग रहा है ना।